तो डूबते हिंदी सिनेमा को जिंदा करेगी आमिर खान की फिल्म, ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी। एक तरफ जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लगातार बॉयकॉट करने की मांग जोरों पर है, तो वही अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू आया है और इस रिव्यू में आमिर खान की फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। 2022 की मच अवेटेड मूवी लाल सिंह चड्ढा का फर्स्ट सेंसर रिव्यू सामने आ गया है। बॉयकॉट ट्रेंड, हेट कमेंट्स और नेगेटिविटी माहौल के बीच आमिर खान की यह फिल्म कैसी बनी है, इसका खुलासा हुआ है। ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर और फिल्म क्रिटिक उमेर संधू ने लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद इसका रिव्यू दिया है। उमेर संधू ने लाल सिंह चड्ढा पर रिव्यू करते हुए शेयर किया है और इसे मास्टरपीस बताया है। एक अद्भुत फिल्म जो सीधे आपके दिल से उतरती है, दिल में उतरती है, मूवी खत्म होने के बाद भी आपकी यादों में बसी रहेगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, एक शानदार फिल्म जो आपका हिंदी सिनेमा में भरोसा वापस लेकर आएगी। ये कहानी, ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल सिंह चड्ढा लंबे वक्त बाद आई एक दमदार फिल्म है। आने वाले वक्त में ये फिल्म क्लासिक मूवी के तौर पर याद की जाएगी। ये सबसे मुश्किल किरदारों में से एक है जिसे आमिर खान ने उम्दा तरीके से निभाया। पूरी फिल्म में आमिर छा गए। करीना ने भी हमेशा की तरह शो अपने नाम कर लिया। नागा चैतन्य और मोना सिंह का भी नाम बहुत अच्छा है। ये मूवी ड्रामा इमोशंस का मिस्क है। असाधारण रूप से इन सबको ऊपर सोने पे सुहागा है आमिर खान का जबरदस्त एक्ट। आमिर खान की फिल्म को लगातार जहाँ बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, तो वही अब पहला रिव्यू जिसमें आमिर खान की फिल्म को मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।